बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा कि चूंकि मैंने उसमें देखा कि प्राध्यापक भी है, न्यायाधीश भी है, रिसर्चर भी है, तो मैं बिल्कुल अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। मैंने उनको फोन लगाया बिल्कुल, और बहुत सुलझे हुए आदमी है वो, जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी जो है कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे। हाँ जी जी हाँ, तो तो मैंने कहा ऐसे लोगों को जोड़े हैं तो ज्यादा मजा आए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, क्यों? हाँ, लेकिन और ये जोड़ने की नहीं, और प्रक्रिया। एनर्जेटिक है, यंग है कंपेरेटिवली, ऐसे हाँ हाँ आपकी ऐसे तो आपकी तो रिटायर्ड है लेकिन कंपेरेटिवली यंग है आपके जैसे। हाँ जी जी, तो क्या हुआ आपका जो अपन आयोजन करने वाले थे? वो आयोजन का वो क्या है कि मैं तो माध्यम था, जी जो जो प्रमुख है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो आई हैव गिवन हिम ए फुट फॉर थॉट, ठीक बात है, है ना। ठीक। हाँ, अब वो बाकी बाकी क्या करते हैं आगे की, क्या रणनीति उनकी रहेगी। वैसे उन्होंने इनको बुलाया था, अनुराधा जो है ना आपके यहाँ, अनुराधा शंकर हाँ उनको बुलाया था, तो वो उन्होंने 15-20 मिनट बोला, और कोई लॉ वाले थे, हाँ सम मिस्टर गुप्ता ही थे, वो विनय गुप्ता, हाँ इंदौर में है। आपके पुलिस में कोई लॉ ऑफिसर है क्या, ऐसा होता है पोस्ट? तो हाँ, तो हाँ 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 उनको फिर उनको सौंप के चली गई कि बाकी आप बताइए। हाँ तो उन्होंने वरिष्ठों के क्या अधिकार है इसके ऊपर, इस विषय पे काफी अच्छे से बोला उन्होंने। हाँ, अच्छा तो अब आगे देखते हैं, आपका नाम तो है पैनल में, अच्छा और बल्कि आई वांटेड टू डू द श्री गणेश फ्रॉम योर टॉक, हाँ लेकिन अब जैसा मैंने कहा मैं तो माध्यम हूँ, ईश्वर तक पहुंचने के जैसे माध्यम होते हैं ना गुरु लोग, हाँ हाँ पंडित ज्ञानी लोग, वैसे ही माध्यम हूँ मैं तो। नहीं, लेकिन अपन मैं को जो है किसी एक छोटे से उसके बजाय हमको अपने प्रभाव क्षेत्र के बड़े लोगों को जो है ना दूसरे लोगों को जोड़ना चाहिए। क्योंकि देखो, कुछ लोग सिर्फ ज्ञान अर्जन करने के लिए ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उससे क्या फायदा है? हाँ हमारा बिल्कुल तो सही कहना है है उसी। कि हमारा तो कहना ये है कि इतना लंबा अनुभव के बाद जी जो काम हम सेवा में रहते नहीं कर पाए, या शायद हमें उस ढंग से सोचने का मौका नहीं मिला, कम से जी कम अब तो हमको सोच के लोगों को जो काम हमको सेवा में रहते ही जनता को करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया है, कम से कम जी अब तो दोस्त देश को बता दें कि जी जी इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर 75 साल के बाद भी, अंग्रेजों ने जी जो गुलामों के लिए नियम कानून बनाए थे, उनके शोषण के लिए, उत्पीड़न के लिए, उनको अपमानित करने के लिए और देश को लूटने के लिए और जनता को लूटने के लिए, वो सब नियम कानून आज भी हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। हाँ, तो उनको बदले यही अपना ध्येय है। उसको बदलने का आंदोलन नहीं करना है, क्योंकि ये नेता तो इसे बदलेंगे नहीं। क्योंकि ये बताइए, जो नेता स्वयं जो है चपरासी बनने की योग्यता नहीं रखते हैं और वो इस व्यवस्था में मठाधीश बन के चार चार पांच पांच बार के संसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, अच्छे लोगों को प्रमोट ही नहीं करते हैं, जिन्होंने स्थिति को इतना खराब कर दिया है कि अब जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्यों में से 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट बिल्कुल 51%। तो ये बिल्कुल, वो तो अब क्या है, सबका सबका उद्देश्य अर्थार्जन है बस। नहीं, तो इस देश में अर्थार्जन का तो जो नाम है तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं अर्थ का होना काम चाहिए। जो है ना सिर्फ सीमित है कि आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त भगवान दे दे, जिसको कहते हैं ना साधु इतना जी दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा बिल्कुल ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ये बिल्कुल। बहुत अच्छे ढंग से अपने शास्त्रों में कहा गया है कि धन बिल्कुल कितना चाहिए। यदि धन अर्जन करना ही मकसद बन जाए तो ये धन अर्जन नहीं है, ये बीमारी है। और बिल्कुल अब हम इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, तो अब हमें इस व्यवस्था को बहुत आसानी से, हम पर्दे की पीछे की भूमिका से सदस्य बनकर निर्वहन कर सकते हैं, और जो लोग जी क्रीज पे आके खेलना चाहते हैं
जो स्वयं चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आकर स्वयं जो है विधायक सांसद और चंद्रगुप्त बनने की आकांक्षा रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं और सोच रखते हैं, इन दोनों ही व्यवस्थाओं के तहत हम बड़ी आसानी से इन सभी दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे और टेक्नोलॉजी और नियम कानून के माध्यम से और लोगों में जागृति लाकर हम बड़ी आसानी से 2024 के 5 साल के अंदर इस भारत को जो है एक परिवर्तित भारत में जो है ना बना सकेंगे। और मैं कह रहा हूं समृद्धि हमारी द्योतक होगी। भारत में कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं होगा, भारत बीमारियां नहीं होंगी, भारत निरोगी और दीर्घायु होगा। और पुनः जो है उसकी जो शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल वाली, वो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति और आधुनिकम जो है विज्ञान का सम्मिश्रण करते हुए एक नई व्यवस्था जो है ना जमीन पर फलीभूत होगी और भारत विश्व की सबसे बड़ी बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब भी बनेगा। हाँ, तो और ये रामराय भारत जी की इतना अद्भुत परिकल्पना, होगा, ये भारत हाँ इतना जी, अद्भुत होगा कि यहाँ पर किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, यहाँ पर कोई दिवालिया नहीं होगा, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं होगा, ऐसा अद्भुत वही भारत। वही रामराज्य वाली परिकल्पना है ना ये, हाँ, रामराज वाली परिकल्पना है। ना कोई दुखी ना दीना, और पृथ्वी पे इतना जो है सबके लिए पर्याप्त है। और ये 18 महीने बाद होना संभव है, तो जी माननीय डॉक्टर गौड़ साहब मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ी सी और एनर्जी लगाई जाए और जी जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आप चाहे सदस्य भूमिका में या चंद्रगुप्ती भूमिका में, जो भूमिका आपको पसंद आ रही है, इस उम्र में पहली आप सदस्य भूमिका ज्यादा निर्वहन करना चाहेंगे, तो जी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी संगोष्ठियां आप बढ़ाइए और लोगों करेंगे, को जो है ना बात पहुंचाइए। और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को भी उनसे सब्सक्राइब कराइए और उनसे कहिए कि इसके वीडियोस देखें और मेरा नंबर दे दीजिए, जब भी उनको लगता है मुझसे बात भी करें। क्योंकि वो तो आपके आपके लिंक को उन्होंने खोला तो सारी चीजें उन्हें मिल जाती हैं। जी, वो तो मैं इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं क्या है, आई एम ए बिट इतना तो इनकैपेसिटेटेड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ माई 4 इयर्स कैंसर एंड अस्थमा एंड डायबिटीज एंड ऑल दैट, थोड़ा सा मैं स्वयं तो इतना नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरे जो मित्र मंडल है उनसे जरूर मैं चुन चुन करके और उनको अपने कुटुंब में मैं आपके साथ लाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, ये वैसे लोग इसमें 90 लोगों का जैसे जैसे संकल्प लोग है, तो कुटुंब कोशिश देखते हैं करिए तो कि उनको एकदम ये लगने लगता है कि पॉलिटिक्स है, लेकिन जब वो गहराई में जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है। जी। वही मैंने सोनेरिया जी से बोला, तो हाँ, हाँ, मेरी उनसे भी काफी बात होती रही। जी। तो अब मैंने कोशिश तो करी थी कि आपको 400 लोगों से जोड़ दूं, 500 से, लेकिन अब वो मैं नहीं कहाँ नहीं तक सफल देखो देखो, हूं। मेरा ये कहना है वो आप चुन चुन के जो आपके बहुत क्लोज हैं ऐसे 90 लोगों को जोड़ के जो आपका सदस्य संकल्प है उसको पूरा करिए, और जब 90 का पूरा हो जाए तो फिर 400 500 1000 उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल, वही उचित रहेगा, ज्यादा हाँ हाँ लेकिन राधा पहले अपन जो देवी। 90 का संकल्प ही होता है ना, वो संकल्प अपन हाँ जरूर पूरा करें जी जी और वन टू बिल्कुल वन वाला बिल्कुल, करें ना, ये फालतू कुछ में ना करें, चाहे किसी के पास वन टू वन, अपन। वन टू वन, वन टू वन, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ वन टू वन, दैट विल बी मोर इफेक्टिव, सक्सेस। वो इफेक्टिव भी हाँ रहेगा। और हाँ वो उसमें जो है ना, जब उसमें लोगों की ग्रुप की सोच बड़ी कई बार सीमित होती है, वो ज्यादा बड़ा सोच नहीं पाते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, देश का जो है ना उसमें कहीं पे वो रहता नहीं है, तो लोग नहीं, अलग और अलग उसमें फिर तरीके के। विरोधी 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 पार्टी विरोधी लोग भी मिल जाते हैं ना, मुंडे 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 मदर भिन्ना, वो अलग अलग सोच के उनने कहा साहब टांग खींच रहे हैं तो सब फालतू की बातें हैं, और एक आदमी क्या कर सकता है, वही सोच आने लगती है ना फिर। नहीं, एक आदमी ही कर सकता है, सब बड़े से बड़े आंदोलन से लेके हर चीज का जो बीज बीज जो डाला गया है वो एक व्यक्ति के द्वारा ही डाला गया है। नहीं, और अपन तो रस्सी को भांज रहे हैं ना, रस्सा बना रहे हैं ना मोटा, मोटा, बिल्कुल बहुत मोटा, जिसमें कि हाथी हाथी को हाथी को भी बांध दो, भी बांध लेंगे। बिल्कुल सही कहा बिल्कुल। आपने। चलिए डॉक्टर साहब, जो है बात करके बहुत अच्छा लगा, बीच बीच में बातचीत अपन करते रहेंगे, आप इस अभियान में भिड़े रहिए। पक्का सर, श्योर, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।